हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ अरुण और आज मैं आपके सामने जो ट्यूटोरियल लाया हूँ उसमें मैं फिर से बताने वाला हूँ pyttsx3 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मुझे लगभग बहुत सारी कंप्लेन मिली कि pyttsx3 इंस्टॉल करने में एरर फेंक रहा है कि आ रहा है कि एग्जिट स्टेटस 1 बता रहा है। मैं अभी अपना कोई प्रोग्राम लिख रहा था तभी अपना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करने पे मेरे पे कमेंट आए कि मैं काम नहीं कर रहा। लिखे 12 कमेंट ऐसे ही ढेर सारे हैं। हाउ टू सॉल्व कैच आफ्टर एरर, इट शोइंग एरर वाइल डूइंग पिप इंस्टॉल pyttsx3। इसीलिए मैं इसका दूसरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ और आज मैं बताऊँगा आपको कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो फिर एकदम सही वे बताऊँगा मैं और ये 100% वर्क करने वाला है। तो फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आ जाइए। ओ मेरी दूसरी वीडियो खुल गई, सॉरी। हाँ यहाँ पे इट्स अरुण स्टार्क सर्च कीजिएगा और ये देखिए आपके सामने पहला ही चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे तुरंत ही क्लिक करके फटाफट से ये देखिए यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन आएगा। अरे उस पर क्लिक कर दो यार, ज़्यादा ज़्यादा यही करना है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या करना है आपको। क्या करना है, पहले आप जाइए पाई पाई पे, मतलब पाइथन पैकेज इंडेक्स, और ये वो जगह जहाँ पे आपको सारे के सारे पाइथन मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे आप सर्च करेंगे pyttsx3। ये देखिए यहाँ पे पहला ये देखिए ये जो वर्जन आ रहा है आप देख रहे हैं 2.84, इस पे क्लिक करेंगे ये इसका वो एकदम लेटेस्ट वर्जन है। और आप जब ये pyttsx3 इंस्टॉल करते हैं तो फिर यही लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होता है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर अब मैं बताने वाला हूँ कि आखिर इसको कैसे इंस्टॉल करें। आप एक काम कीजिएगा, pyttsx3 2.84 मत इंस्टॉल कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं pyttsx3 है कौन सा। अगर मैं टाइप करूँ पिप लिस्ट, अब देखिए यहाँ पे मेरी पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे लगभग पूरी लिस्ट आ गई। यहाँ पे आप pyttsx3 मॉड्यूल देखेंगे, ये रही, तो ये 2.81 और ये 2.84 लॉन्च हो चुका है। और आप जब इंस्टॉल करते थे 2.84 होता है, यहाँ पे आप डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे तो फिर ये मिल जाएगा। अगर रिलीज हिस्ट्री पे आ जाए तो ये समय लगे, देखिए 2.84, 2.83, 2.82, 82 नहीं आया, 8.83, 81, 80, 2.71, 2.9। अगर आप इनमें से कोई एक इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कि 2.7 अगर मैं इंस्टॉल करना चाहूँ, देखिए अभी मेरा pyttsx3 काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ फ्राइडे ऐसे काम नहीं करेगा, सॉरी अभी मैंने उसका कोड स्टार्ट नहीं किया है। आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ तो फिर ये सुनिए। Good afternoon, boss. Command, boss. हाउ आर यू? I am feeling helpful. Command, boss. बाय बाय। Okay, bye and have a nice day, boss. तो फिर आप देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं अपना pyttsx3 अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करूँ, देखिए पिप अनइंस्टॉल, ये कमांड लिखते हैं अनइंस्टॉल करने के लिए pyttsx3। और यहाँ पे अभी प्रोसीजर कहेगा कि यस और नो, तो फिर मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। आपके सामने देख लीजिए मैंने इसको अनइंस्टॉल किया है। अब मैं फिर से इंस्टॉल अगर मैं लिखूँ पिप इंस्टॉल pyttsx3, अब देखिए ये एरर फेंकेगा क्योंकि अभी जब मैंने ये लिखा तो फिर pyttsx3 का अभी करंट वर्जन जो अभी नया है उसको इंस्टॉल करेगा। अभी देखते जाइए ये इंस्टॉल, ये इसको डाउनलोड किया, अब इसके बाद जब ये बिल्ड करेगा देखिए ये मेरे ख्याल से आपके पास यही एरर आ रहा होगा। लगभग हर इंसान ने कमेंट किया है कि भाई ये एरर आ रहा है कैसे ठीक करे। तो फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे HS गैलरीज, यहाँ पे निक जो भी नाम है आपका, आपने कमेंट किया सॉरी कि मैं आपका एरर सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो फिर आप आ जाइए pyttsx3 में और यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे 2.7 इंस्टॉल करना है, ये आराम से हो जाएगा क्योंकि इसका पुराना वर्जन है। देखिए न्यू वर्जन अवेलेबल, इस पर मत क्लिक कीजिएगा क्योंकि ये करंट वर्जन इंस्टॉल आप नहीं कर पाएंगे। इस पर कॉपी कर दीजिए और अभी मैं नया विंडो खोलूँगा, इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। और अब देखिए मेरा कैसे pyttsx3 आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। चाहे तो आप देख लीजिए, अभी देखिए ये डाउनलोड करेगा फाइल, 30 KB की है, देख लीजिए ये देखिए कोई एरर नहीं फेंका, इसका मतलब ये अच्छे से इंस्टॉल हो गया। आप भी अपने लिए करंट वर्जन देख लीजिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आप या तो ये कर लीजिए या फिर मैं बता रहा हूँ आपको 2.83, 2.81,
जैसे कि मेरा पहले था, इसको मैं यूज़ करता था, फिर से मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, इसका पुराना वर्जन। और फ्राइड डिस्टर्ब मत करो, अभी देख लीजिए। ये देखिए यूजिंग, मतलब कि इसको मैंने ऑलरेडी, अब देखिए ये फिर से इंस्टॉल हो गया, लेकिन 8.84 अभी नहीं हो रहा, 8.4 अभी नहीं होगा, हो सकता है बाद में कभी और हो। लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो फिर ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। देखो अगर आपका एरर मिलते ही, इतने सारे लोगों के कमेंट करते ही मैंने फिर से वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। मैंने अपनी कोडिंग अभी कुछ देर के लिए छोड़ दी यार, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आप लाइक कर दोगे।